नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ यशिता मेहरा और आप देख रहे हैं चैनल साहित्य और सिनेमा। 1 अप्रैल 2022 को मूवी पर जापानी फिल्म ड्राइव माई कार आ चुकी है। ये फिल्म हारुकी मुराकामी की शॉर्ट स्टोरी पर आधारित है। लगभग 3 घंटे की फिल्म को रियुसुके हामागुची ने डायरेक्ट किया है। फिल्म को IMDb पर 7.6 की रेटिंग मिल चुकी है और 80% गूगल यूजर्स ने फिल्म को लाइक किया है। फिल्म में मुख्य किरदार निभाए हैं हिदेतोशी निशिजिमा, टोको मियूरा, रिका किरिशिमा, पाक यूरिम, जिंडेयोन और सोनिया युवानी। तो करेंगे फिल्म के सभी पहलुओं पर बात, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि हमारी सभी अपडेट्स आपको मिलते रहें। आपको बता दें कि 94 अकेडमी अवार्ड्स में ड्राइव माई कार ने बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का ऑस्कर अपने नाम किया है। कहानी है एक थिएटर डायरेक्टर की जिसकी पत्नी की डेथ हो चुकी है। उसे हिरोशिमा से बुलावा आता है कि हमारे लिए एक प्ले डायरेक्ट करें। वहां उसकी मुलाकात मिकासी नाम की लड़की से होती है। दोनों साथ में वक्त बिताते हैं। उस दौरान डायरेक्टर की पत्नी के कुछ सीक्रेट सामने आने लगते हैं जिन्हें शायद वो नहीं जानना चाहता था। फिल्म इसी के आसपास घूमती है। फिल्म की शुरुआत जापान में होती है। वहाँ एक घर में ऑटो नाम की लड़की पर नजर जाती है। वो एक स्क्रीन राइटर होती है। वो अपने पति युसुके को एक कहानी सुनाती है। असल में ऑटो के दिमाग में एक सूजन होती है जिसकी वजह से वो चीज़ें भूल जाती है। ऑटो इसका एक सलूशन निकालती है। वो अपने पति को हमेशा कहानी सुनाती है। युसुके याद करके उसे अगले दिन बातें बताता है। ऑटो अपने पति को एक लड़की के बारे में स्टोरी सुनाती है जिसको अपने स्कूल के लड़के के साथ इंटीमेट करना होता है, लेकिन वो लड़की उस लड़के को ये बात एक्सप्रेस नहीं कर पाती और घर लौट आती है। वो लड़की अपने माता पिता को पसंद नहीं करती। युसुके को ऑटो की ये स्टोरी पसंद आती है। ऑटो उस लड़की के बारे में और भी चीज़ें बताती है। पूरी कहानी सुनाकर ऑटो सो जाती है और नेक्स्ट डे ये दोनों अपने काम पर निकल जाते हैं। कार से जाते हुए दोनों उस स्टोरी पर चर्चा करते हैं। युसुके पूरी कहानी ऑटो को बताता है और कहता है कि ये स्टोरी शायद प्रोड्यूसर को पसंद आएगी। ऑटो कार में ही पूरी स्टोरी को लिख लेती है। युसुके कहता है कि तुम इसकी बाकी डिटेलिंग भी कर लेना। इस पर ऑटो कहती है हाँ मैं कर लूँगी। फिर ऑटो एक होटल के बाहर कार से उतर जाती है और कहती है वो डायरेक्ट शो में मिलेगी। फिर युसुके अपने थिएटर में चला जाता है। असल में वो एक फेमस थिएटर आर्टिस्ट होता है। इसके बाद हम देखते हैं युसुके अपना नाटक अंकल वनहा परफॉर्म करता है। ये नाटक जापान का काफ़ी फेमस नाटक है जिसमें एक आदमी की मिडिल एज की स्टोरी दिखाई जाती है और ये नाटक काफ़ी डार्क भी होता है। नाटक के बाद युसुके जब अपने रूम में आता है तो ऑटो भी वहाँ आती है और युसुके की मुलाकात कुजिके से कराती है जो कि युसुके का बहुत बड़ा फैन होता है। वो एक दो नाटक कर चुका होता है और वो युसुके के साथ काम करने की इच्छा जाहिर करता है और युसुके मान जाता है। इसके बाद कुजिके कहता है कि वो रोल के लिए जल्द ही युसुके से मिलेगा। इसके बाद ऑटो और कुजिके वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ दिन बाद युसुके सुबह जल्दी उठकर अपना बैग पैक करता है क्योंकि उसको कहीं दूसरे शहर में परफॉर्म करने जाना होता है। वो देखता है कि ऑटो सोई है तो वो उसको एक किस करता है जिससे ऑटो उठ जाती है और वो युसुके को एक रिकॉर्डिंग देती है। ये रिकॉर्डिंग असल में युसुके के नाटक की होती है जिसे सुनकर युसुके हमेशा प्ले को याद रखता है। इसके बाद युसुके वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद युसुके गाड़ी निकालकर एयरपोर्ट जाने लगता है। रास्ते में वो अपने शो की रिकॉर्डिंग सुनता है। यहाँ हमको पता चलता है कि अंकल वनहा प्ले में पहले ऑटो भी काम किया करती थी। उसको भी प्ले के काफ़ी डायलॉग्स याद है। युसुके एयरपोर्ट पर पहुंचकर गाड़ी से अपना सामान निकालकर जाने लगता है। तभी उसको मैसेज आता है कि उसकी फ्लाइट एक दिन के लिए पोस्टपोन हो गई है। तो युसुके अपनी गाड़ी लेकर वापस घर की तरफ निकल जाता है। 2-3 घंटे की ड्राइव के बाद जब युसुके अपने घर में आता है तो देखता है कि बेडरूम में ऑटो किसी और लड़की के साथ इंटीमेट हो रही है। ये देख युसुके काफ़ी दुखी होता है और बिना कुछ बोले वहाँ से अपनी कार में निकलता है और वहाँ से होटल में आकर रुक जाता है। इसके बाद युसुके को ऑटो का वीडियो कॉल आता है। यहाँ पर दोनों नॉर्मल बात करते हैं। युसुके यहाँ पर ऑटो को ये नहीं बताता कि उसने उसे किसी और के साथ इन्वॉल्व होते देखा था। अगले दिन युसुके अपने काम के लिए दूसरे शहर में आता है जिसमें वो कार से जाता है। वो कार में ही अपना प्ले सुनता हुआ जाता है, लेकिन इसी बीच उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अगले दिन उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल में ऑटो आती है। युसुके बताता है कि ऑटो तुम अपना ख्याल रखो और वहाँ से दोनों डॉक्टर के पास आते हैं और डॉक्टर बताता है कि युसुके एक ही आँख से देख सकता है, लेकिन युसुके को तो सब नॉर्मल लगता है। फिर डॉक्टर उसे कार ड्राइव करने से मना कर देता है। ऑटो युसुके को संभालती है।
इसके बाद हमें कुछ साल बाद का वक्त दिखाया जाता है। युसुके और ऑटो की बेटी की मौत हो जाती है, जिससे ये दोनों काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं। फिल्म में आगे और भी कई इमोशनल पॉइंट्स होते हैं। थिएटर प्ले के माध्यम से मानवीय मन के कई उतार चढ़ाव को फिल्म में दिखाया गया है। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।